खमंग निशा कैसे हो आप सभी लोग, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आज का वीडियो होगा हेयर रेमेडी को लेकर के। इंट्रो देखकर आप लोग समझ ही गए हो। तो मैं लास्ट 2-3 महीनों से हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बाल हाथ लगाते ही बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। तो मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई करी क्योंकि होम रेमेडीज़ में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। एंड टच वुड, अब मेरा जो हेयर फॉल है वो एकदम से रुक गया है। तो जो होम रेमेडीज़ मुझ पर अच्छे से वर्क करी वो सारी मैं आप लोगों के साथ वन बाय शेयर करने वाली हूँ। ये राइस वाटर वाली रेमेडी काफ़ी पुरानी, मैं पहले भी यूज़ करती थी बाल बढ़ाने के लिए। सो मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो हिट द लाइक बटन एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना है। एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को आप फॉलो भी कर सकते हो, आईडी मिल जाएगी। सो क्या करना है आपको इसके लिए, सिर्फ चाहिए 2 चम्मच राइस, 2 चम्मच चावल आपको लेना है। उसको जस्ट पानी में से भिगो कर निकाल देना है क्योंकि जो भी गंदगी चावलों के आसपास लगी होगी वो आराम से निकल जाएगी, धूल मिट्टी वगैरह। अदरवाइज़ ये राइस वाटर जाएगा डायरेक्ट आपकी जड़ों पर तो वो ठीक नहीं होगा आपकी बालों के लिए। वो पानी निकालने के बाद आपको अच्छा फ्रेश पानी लेना है और उस पानी के अंदर इन 2 चम्मच चावलों को भिगो देना है। पानी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेना है, कम क्वांटिटी नहीं लेनी है, जितनी आराम से आपके स्कैल्प पे लग जाए प्लस थोड़ा बहुत आपके बालों पे और जड़ों पे भी लग जाए। अच्छे से देख लीजिए कि कितना आपको पानी लेना है, क्वांटिटी देख लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा पानी आपको लेना है। इस राइस को आपको रात भर के लिए भिगो कर छोड़ देना है या फिर आप सुबह 7 बजे भिगो सकते हो एंड रात को ये वाला ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह करोगे ना तो क्या होगा कि रात भर छोड़ोगे तो इसके अंदर हल्के हल्के झाग भी आने लग जाएगी, इवन ये स्मेल भी करेगा, ऐसे आपको लगेगा कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है। बट वही इसका एकदम सही स्टेज होगा, वही उसी टाइम इसमें सारे पोषक तत्व या फिर जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट या फिर जो पोषक तत्व अपने बालों को चाहिए वो सारे बनेंगे। जैसे दिख रहे हैं ये दूसरे दिन की फुटेज है, सुबह की फुटेज दिखा रही हूँ आप लोगों को। हल्के हल्के से झाग है जो आई थिंक दिख नहीं रहे एंड स्मेल भी आती है इस टाइम लगाने में, ऐसे थोड़ा फील भी होता है कि इतनी गंदी बदबू कैसे लगाएं। तो यहाँ पर अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इस पानी को छान करके, यानी राइस नहीं लेना है, जस्ट आपको पानी लेना है, राइस आप किसी और यूज़ में ले सकते हो और इसको स्प्रे बॉटल में डाल सकते हो या फिर कॉटन के थ्रू लगा सकते हो। आपको जस्ट डायरेक्ट जड़ों में लगाना है और चाहो तो इसके अंदर 2-4 बूंद कोकोनट की ऑयल या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो सो दैट कि आपको ज़्यादा लगे नहीं, ज़्यादा ड्राई फील नहीं हो आपकी जो स्कैल्प है, वरना क्या होता है कि पानी है ना ये ड्राई कर देता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह आपको लगाना है और 3 घंटे आप रख सकते हो, ओवरनाइट भी रख सकते हो। बट मेरा जो स्टेप 1 होता था और जो सेकंड स्टेप होता था वो हेयर ऑयलिंग का होता था, जो कि ऑयल में घर पे बनाती थी वो ऑयल लगाती थी और इसको सिर्फ 3 घंटे के लिए ही लगा के रखती थी। जैसे दोपहर में लगा लिया 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए ये रह गया, उसके बाद रात को सोने से पहले मैं हेयर ऑयलिंग करती थी तो वो रात भर रहती थी। तो इसी तरह आपको जस्ट स्कैल्प पर लगाने हैं, पूरे बालों पर लगाने हैं। इसके अंदर अमीनो एसिड होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है राइस वाटर जो होता है आपके बालों के लिए। आपको जड़ों पे भी लगाना है, पूरे बालों पे भी अगर आप लगाओगे तो भी आपको फील होगा कि टाइम के साथ साथ आपके बाल स्मूथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बार ट्राई किया एंड सब कुछ होगा, बट टाइम के साथ साथ इवन आपके बाल बढ़ेंगे। सो यू ट्रस्ट मी और नॉट, बट मैंने यही सेम रेमेडी आज से 2 साल पहले हेयर बढ़ाने के लिए भी यूज़ की थी। वही सेम गूगल और यूट्यूब पर देखकर मैंने पहली बार ट्राई किया था एंड मुझ पर बहुत अच्छे से वर्क किया था, इसीलिए मैंने हेयर फॉल के टाइम पे भी सेम रेमेडी यूज़ की थी एंड ये अभी भी बहुत अच्छे से वर्क किया है। हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने इसके साथ में रात भर ऑयलिंग की है, तो वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है अकेला आप पे काम ना करे। इसको आपको 3 घंटे के लिए रखना है, ये आराम से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद हल्के हाथों से मालिश करनी है एंड डेट्स, उसके बाद ऑयलिंग कर लीजिए, हेयर वॉश कर लीजिए, बस इतना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर हिट द लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर करना है एंड अपना अमूल्य फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा। सो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए खमंग निशा, बाय।